सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। रूस अते यूक्रेन दरम्यान सातवें दिन भी युद्ध जारी। खेरसन समेत कीव के दो एयरपोर्टों उत्ते रूसी फौज ने किया कब्जा। रूस ने परमाणु जंग की भी दित्ती धमकी। रूस खिलाफ कार्रवाई लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत पुजा यूक्रेन। 7-8 मार्च में वर्चुअल तौर उत्ते अदालत में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिता वड्डा बयान, कहा यूक्रेन च फसे भारतीयों नूं कढ़न लई जारी मुहिम भारत की वधदी शक्ति का प्रतीक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रूस अते यूक्रेन विचाले चल रही जंग सातवें दिन भी होर घातक हो गई है। रूस यूक्रेन के शहरों उत्ते लगातार हमले कर रहा है, जिस विच नागरिक अते फौजी मारे जा रहे हैं। खारकीव विच रूसी हमले में 21 लोग मारे गए। इस दे नाल ही खबर है कि रूसी फौज ने खेरसन उत्ते कब्जा कर लिया, खारकीव उत्ते भी हमले तेज कर दिए ने। प्राप्त जानकारी अनुसार यूक्रेन की राजधानी कीव के दो एयरपोर्टों उत्ते रूस की फौज ने कब्जा कर लिया। इस जंग के विचकार रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने परमाणु हथियारों से तीजे विश्व युद्ध का भी जिक्र किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंसकी ने कहा है कि मास्को के हमले के पहले 6 दिनों में लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए। उन्होंने दावा किया कि रूस यूक्रेन उत्ते बंब ते हवाई हमलों जरिए कब्जा नहीं कर सकता। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 24 फरवरी तो 2 मार्च तक चले पिछले 6 दिनों के युद्ध में 211 रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। इस 862 बख्तरबंद निजी वाहन 85 तोपां ते 40 MLRS नूं तबाह किया गया। इस तों पता लगता है कि यूक्रेन की फौज रूस नूं सख्त टक्कर दिंदी नजर आ रही है। रूस अते यूक्रेन विचाले वधदे युद्ध नूं लैके ICJ 7 अते 8 मार्च नूं इस मामले उत्ते जनतक सुनवाई करेगी। ICJ दे बयान विच कहा गया कि मौजूदा महामारी की स्थिति के मद्देनज़र यह सुनवाई वर्चुअल तौर उत्ते होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सरकार जंग प्रभावित यूक्रेन तो कई हज़ार नागरिकों ऑपरेशन गंगा तहत भारत वापस लिया चुकी है। मोदी ने एक चुनावी रैली में यूक्रेन मामले का जिक्र करते हुए अपनी सरकार की तारीफ की है। उन्हें कहा कि आज दुनिया में जो हालात बने ने वो तुम वेख रहे हो, ये भारत की वधदी शक्ति है कि असं यूक्रेन विचों भारत के नागरिकों को सुरक्षित कढ़ने लिए इन्नी वड्डी मुहिम चला रहे हैं। दस दिए कि हवाई फौज का एक C-17 ग्लोब मास्टर जहाज अज 200 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचेगा। अगले 24 घंटों में भारत तो 15 उड़ाना जाएंगी। हुण तक 17000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के संसद मैंबरों की मीटिंग हुई, जिस में यूक्रेन में फंसे पंजाब के विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी संबंधी चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस के संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी, गुरजीत सिंह औजला, रवनीत बिट्टू, चौधरी संतोख सिंह, डॉक्टर अमर सिंह मौजूद रहे। इस मौके तिवाड़ी ने कहा कि भारत सरकार को बच्चों की सुरक्षित वापसी यकीनी बनानी चाहिए है। उन्हें कहा कि उन्हें भारत के विदेश मंत्री तो भी मुलाकात लिए समा मंगे। एक हो इदा है कि अज बहुत ही सत्कारयोग सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी, चौधरी संतोख सिंह जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, गुरजीत औजला जी, जसबीर डिंपा जी और मैं असी बैठ के जिहड़ी यूक्रेन च परिस्थिति बनी हुई है उहदे बारे विचार वटांदरा किया है। असी विदेश मंत्री तो समा मंगिया हैगा और साड़ी ये चिंता है कि जेड़े बच्चे खासकर ईस्टर्न यूक्रेन च फसे हुए ने, जेड़े वेस्टर्न बॉर्डर तक पहुँच नहीं सकते, उन्हां वास्ते कोई ना कोई पुख्ता इंतजाम किए जाए। अज सवेरे अखबार च लिखिया सीगा कि शायद हिंदुस्तान के कुछ प्रतिनिधि रॉडनिव गए ने और जेड़े कारकीव बच्चे फसे हुए ने उन्होंने कढ़न वास्ते कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं। साड़ी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नाल ये अपील हैगी है कि वो प्रेजिडेंट पुटिन नाल गल करके जिहड़ी रशियन फ्रंट लाइन्स दे थ्रू कोई ना कोई राह अहिजा बनाउण कि बच्चों कढ़ के रॉडनिव लियाया जाए और उन्होंने उत्थों इवैकुएट किया जाए। सो उस तो अलावा जे अज डॉक्टर जयशंकर सानू टाइम देंदे ने तो असी जरूर जी अपनी गल उन्होंने सामने जाके रखांगे। अज जी चर्चा हुई है वो जे खड़कीप के यूक्रेन के बच्चे साढ़े फसे ने पंजाब के बड़ी मुश्किल हालात ने और उत्थे युद्ध की स्थिति होर गंभीर होंगी जा रही है।
और माँ बाप बड़े परेशान ने, एक साढ़े बच्चे की मौत भी हुई है उत्थे, उहदे करके सारे तनाव का माहौल है, क्योंकि जो बच्चे दूर होणगे कुदरती गल है माँ बाप परेशान होणगे। उन्होंने लैके सारे मैंबर पार्लीमेंट ने असी आपस बह के चर्चा की है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने 3 दिन तो टाइम नहीं दिता। हूँ असी अज फिर विदेश मंत्रालय ने गल की है कि तुम सू टाइम दो, उन्होंने यकीन दवाया कि अज या सवेर तक तुम्हें समय दिता जाएगा। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध दौरान दो भारतीय मूल के विद्यार्थियों की हुई मौत उत्ते सोग प्रगट किया, जिन्हों में एक कर्नाटक का रहने वाला से उसकी मौत हवाई हमले की वजह हुई, जदों की दूजा विद्यार्थी पंजाब तो सी जिसकी मौत हार्ट अटैक न हुई है। उन्होंने दसा कि यूक्रेन में फसे निर्दोष लोगों की सलामती लिए गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ साहब का अज भोग भी पाया गया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों परसों श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए गए सन, गुरु साहब की बख्शिश हुई है, अज श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई है। यूक्रेन दे विच जो इस समय युद्ध चल रहा है, उस दे उपलक्ष्य दे विच जो उत्थे भारतीय भारत दे लोग पंजाब दे लोग पंजाबी फसे हुए ने, जिहड़े विद्यार्थी उत्थे पढ़न वास्ते गए सन वो उत्थे जिहड़े अजे वापस नहीं परत सके उत्थे वो सहमे हुए आ, उन्हां दी सही सलामती लई, उन्हां परिवारां दी सही सलामती लई अते विश्व दी शांति लई कि ए युद्ध विराम होवे और मानवता दी रक्षा होवे, पीस वापस परते, इस उपलक्ष्य दे विच दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उपराला किया गया सी। गुरु साहब के चरणों के विच अरदास की है, श्री अखंड पाठ साहब कराए ने ताकि उत्थे हर एक जो विशेष तौर दे उत्ते भारत दे लोग फसे हुए आ उन्हां दी रक्षा हो सके, गुरु साहब कृपा करन और उन्हां दी घर सही सलामत वापसी हो सके। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हैल्पलाइन नंबर असी जारी किया सी, जिहदे विच साढ़े मीत प्रधान सरदार आत्मा सिंह जी ते सरदार परमजीत सिंह जी चंडोक साढ़े साबका मैंबर, उन्हां दे नाल एक असी मैनेजर साहब की ड्यूटी लगाई सी और अपने नंबर इन्हां दे जारी किए सी। पहला साढ़े कोल 16 परिवारां दे नंबर एड्रैस आए सी, उस तो बाद होर काफ़ी गिनती दे विच साढ़े कोल उन्हां दे बच्चों के संपर्क बच्चों के पासपोर्ट सारियां डिटेल आ चुकियां, जिहड़ियां कि असी एक्सटरनल अफेयर मिनिस्ट्री दे नाल तालमेल बना रख्या है और उन्हां बच्चों की जल्दी तो जल्दी वापसी होवे ये असी सुनिश्चित कर रहे हैं। और इहदे विच सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी उन्हां दे नाल भी साडा संपर्क लगातार बनिया होया और वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी उन्हां बच्चों नूं वापस लिया जा सके। नाल दी नाल ही असी पोलैंड दे विच जिहड़ा गुरद्वारा सिंह सभा है उत्थे भी असी तालमेल बनाया होया ताकि जिहड़े बच्चे उत्थों यूक्रेन तो बॉर्डर क्रॉस करके आन उन्हां नूं रहायश ते नाल उन्हां दा खाण पीण दा जिहड़ा प्रबंध है उत्थे हो सके। उत्थों दी कमेटी जिहड़ी गुरद्वारा साहब दी, उह भी बड़ी शलांघा जो कम कर रही है और बहुत सारे असी इस गल नूं कंसर्नड हैं कि जिन्हें भी साढ़े बच्चे आ उन्हां नूं कोई तकलीफ ना होवे और दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हर संभव कोशिश कर रही है। जिहड़े परिवार इत्थे एंबैसी दे नाल जां एक्सटरनल अफेयर मिनिस्ट्री दे नाल पंजाब तो खास करके जां होर किसी भी देश दे कोने तो आ रहे आ, असी उन्हां दे रहण दा रहायश दा भी इत्थे फ्री प्रबंध सराना सरावां दे विच कीता होया, उन्हां दे लंगर पाणी दा प्रबंध कीता होया, उन्हां नूं होर कोई सुविधा चाहीदी है इत्थे दिल्ली दे विच हर तरह की मदद असी अपने जो ड्यूटी लगाई है सरदार आत्मा सिंह जी दी चंडोक साहब दी उह कर रहे हैं। 2-3 बच्चों नाल संपर्क होया उत्थे खारकी विच खास करके और नवेद यूसफ एक बच्चा सीगा उहदे नाल गल होई सीगी, उन्हां दे पेरेंट्स ने मैनूं नंबर दित्ता सी। उहदे खारकी विच 4 होस्टल ने, उहदे विच ही घट तो घट 2000 बच्चे फसे हुए ने, जिथे ये खारकी विच नवेद यूसफ हैगा बच्चा इहदे विच भी 550 बच्चे उत्थे भी फसे हुए ने और उन्हां नूं क्या हैगा कि वह सारी डिटेल सारे बच्चों की डिटेल सानू भेज रहे ने और उन्होंने भेज के असी जिदा साढ़े जनरल सैकटरी साहब ने कहा है कालों जी ने कि साडा विदेश मंत्रे नाल संपर्क विच हैगे आ, असी सिरसा जी नाल भी हैगे ने, साढ़े प्रधान जी हरमीत कालका जी भी हैगे ने और साडे सारे ही टीम जिनी भी लगी है वो सारे लगे हुए ने और उन्हां नाल संपर्क हो रहा, जिन्हें भी बच्चे वध तो वध कोशिश हो रही है साड़ी कि उन्होंने कढ़ के लियाइए। रूस और यूक्रेन में शुरू हुई जंग तो बाद यूक्रेन में पढ़ाई लिए गए बच्चों के मापे बहुत ही फिक्रमंद ने, कुछ विद्यार्थी यूक्रेन तो वापस अपने घर परत चुके हैं। वापस आने वालों में नूरपुर बेदी के पिंड जटपुर की सिमरनजीत कौर भी शामिल है,
जो इतने MBBS के 5वें साल के पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हाले भी कई भारतीय विद्यार्थी फसे हुए हैं जिन्होंने जल्द तो जल्द भारत वापस लिया जाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की विधानसभा दसा कि ऊना में गैर कानूनी पटाखा कारखाने में हुए धमाका मामले में मुख्य दोषी गिरफ्तार किया गया। इस विस्फोट में हुण तक 11 लोग मारे गए हैं। ठाकुर ने दसा कि पुलिस डायरैक्टर जनरल सुमेधा द्विवेदी की अगवाई वाले विशेष जांच दल ने मुंबई तो रोहित पुरी गिरफ़्तार किया। ठाकुर ने जानकारी बजट सैशन राज्यपाल के भाषण से चर्चा दौरान दी। दसनयोग है कि 22 फरवरी ऊना स्थित गैर कानूनी पटाखा कारखाने में विस्फोट हो गया, जिस में 6 प्रवासी मजदूर मारे गए सन, 14 होर लोग झुलस गए सन, 5 होर लोगों ने बाद में इलाज दौरान दम तोड़ दिता। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बयान दिता है। उन्हें कहा कि बंदी सिंह प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की जल्द रिहाई होनी चाहिए है। उन्हें कहा कि बाकी बंदी सिंह की रिहाई लिए भी सरकारों नूं जल्द तो जल्द कदम चुकने चाहिए ने। सिख पंथ के बहुत सारे जेडे साडे जुझारू वीर आ लंबे अरसे तो जेलों के बैठे आ और उन्होंने रिहाई लिए बार बार जिथे सारा समुचा पंथ और गुरु नानक नाम लेवा माई भाई समुचे तौर पर उन्हों की रिहाई की मंग करता। गुरु नानक देव पातशाह जी ने तरस करके 550वें प्रकाश दिहाड़े वेले जेडे बहुत सारे साढ़े जुझारू वीर आ उन्होंने रिहा करने का हुक्म किया, जिन्हों के प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर भी आ। ते आज मैनू मीडिया दी खबरों तो पता लगा कि उन्हां दी जिहड़ी फाइल सी उह लगभग 3-4 बारी पहला रिजेक्ट की गई दिल्ली दी सरकार वल्लों, ते अज रिव्यू बोर्ड जिहड़ा आ उह अज बैठ के उहदे बारे निर्णय करूगा। ते मैं क्योंकि समुचे पंथ ने यह मंग रही आ कि दविंदर पाल सिंह भुल्लर उन्हां नूं तुरंत जिहड़ा आ रिहा कीता जाना चाहीदा। लुधियाणा तो कांग्रेस के सांसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर नूं रिहा किया जाए क्यों जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं तो उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। भुल्लर साहब का केस बड़ा चिर दा चल रहा सी, अपनी सज़ा है जिहड़ी पूरी कर चुके ने, उन्होंने कोई किसी ने फांसी की सज़ा नहीं दी सी, उन्होंने जिनी भी सज़ा सी वो पूरी कर चुके हैं। वो बड़िया अड़चण सगिया जी आई मैंटली तौर पर वो ठीक नहीं गए, इस करके मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चाहे किसी भी पार्टी ने उन्होंने मदद की आ, किसी भी लीडर ने मदद की आ, वो जल्दी तो जल्दी रिहा होने चाहिए है, क्योंकि जिनी उन्हों की सज़ा सी उदू वे वह पूरी कर चुके हैं। तो उन्हों का मानसिक जड़ा जे कही भी वो तंदुरुस्त नहीं गए, तो इस करके वो बाहर आउणगे ते जरूर मैं समझदा उन्होंने परिवार लिए ते उन्होंने चाहण वालियां लिए इह चंगी गल। संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने पटियाला की जेल में सुखबीर सिंह बादल वालों बलवंत सिंह राजौणा नाल मुलाकात उत्ते सवाल चुके ने। उन्हें कहा कि इस मामले में उन्होंने चोण कमिशन नूं पत्र लिखा है ते इस मुलाकात की उच्च पद्धरी जांच करवाउण की मांग की है। जिथे सरदार सुखबीर सिंह बादल जिहड़े अकाली दल के प्रधान ने, मैं हैरान हाँ उत्थे दे SP जां जिहड़े जेलर सी जां होर अफसर साहबान सी, बई सब तो खतरनाक टैररिस्ट जिहड़ा इस तरीके का राजौणा जिन्हों अलग रख्या जाता है, भी वो सुखबीर सिंह बादल नूं जदों SP दे दफ्तर च सुखबीर सिंह बादल बैठे आते जिहड़ा कि ऑन रिकॉर्ड SP ने मन्निया है गल, तो वह उधरों खुला छड्ड दिता जाता है, तो सुखबीर बादल तो राजौणा जफ्फियां पाउंदे आ, मिलन जाते हैं विक्रम मजीठिया नूं जिहड़ा कि मिल रिश्तेदार ने, उन्हां दा जन्मदिन सी, वो जास उन्होंने उन्हों का अधिकार आ। पर यह किमें हो सकता भी एक पासे सुखबीर सिंह बादल जिन्होंने Z+ सिक्योरिटी है, तो एक SP के कमरे च एक सब तो बड़ा खतरनाक अतवादी टैररिस्ट जिन्हें अकाली दल खातर वोट मंग के गया स्पैशल परोल से बाहर आके, जिदन उन्होंने फादर की मौत सी, तो उत्थे अंदर मिले ने ये SP जिहड़े उत्थे दे ने, जां जिहड़ी होर वड्डी इनक्वायरी इहदी NIA करे, CBI करे, भी सुखबीर सिंह बादल ते राजौणा ने की उत्थे बह के देश नूं
बर्बाद करने लई, पंजाब नूं बर्बाद करने लई की उत्थे स्कीमां घड़ियां है, की उन्हां दे मनसूबे सी उत्थे, ये सारियां गल्लां है जिहड़ियां मैं इहदे गल ते इलैक्शन कमिशन नूं भी ते होम मिनिस्ट्री नूं भी इहदे बारे चिट्ठी लिखूं। आम आदमी पार्टी पंजाब दे मुख्यमंत्री अहुदे दे उम्मीदवार ते संसद मैंबर भगवंत मान ने दावा कीता कि आम आदमी पार्टी की सरकार सूबे दे पुलिस मुलाजमान समेत सरकारी मुलाजमान दे मामले प्रमुखता नाल विचार करके हल करेगी। उन्हें कहा कि सूबे दे मुलाजम अपनी जिम्मेवारियां तनदेही नाल निभाते रहे हैं, पर रवायती सियासी पार्टियां वालों हमेशा ही मुलाजमान के मुद्दे को नज़रअंदाज किया गया। मान मुताबिक जदों तक पुलिस प्रशासन में उपर तो लैके हेठां तक बेलोड़ी सियासी दखलअंदाजी खत्म नहीं होंगी उदों तक सूबे की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अमृतसर की जेल में NDPS एक्ट तहत सज़ा भुगत रहे कैदी की भेदभरी हालत में मौत की खबर सामने आई है। मृतक की पहचान दविंदर सिंह वजो हुई है। दविंदर सिंह साल 2018 में नशीले पदार्थों के दोष में फड़या गया सी। जेल में दो गुटों में झगड़ा होने कारण दविंदर सिंह गंभीर तौर उत्ते जख्मी हो गया सी। गुरदासपुर के हलका दीनानगर के चोरी दीयां वारदातां रुकण दा नाम नहीं लै रहीआं। ताज़ा मामला दीनानगर के मेन बाज़ार विचों सामने आया है, जिथे बेखौफ चोरों वालों दीनानगर की मेन बाज़ार के पांच मुनियारी दीआं दुकानां तोड़ के हज़ारां रुपए के नोट चोरी कर ले गए। घटना CCTV विच कैद हो गई। पुलिस वालों मामले की तफ्तीश की जा रही है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इन्ना ही। जाते जाते नज़र मारदे मौसम के हाल उत्ते, तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।